चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैं और साम्या, तो आप लोग को भी ले चलते हैं। तो चलिए फिर, ऐसे पहले भी वीडियो बना चुके हैं शॉपिंग का, पर अपने घर का बाहर का व्यू दिखाएंगे आप लोग का, कि हम लोग का घर कहाँ है। तो चलिए भी आप लोग भी साथ साथ में। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, और शॉपिंग में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी है, मास्क की। तो अभी ये मजबूरी सही पर लगाना पड़ेगा, तो चलिए इसे लगा लेते हैं। आदमी देख रहा है, ऊपर देखना आदमी देख रहा है। सोचे क्या करते जाए, अभी बंद कर। तो अभी हम लोग ऑटो लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आगे चल के जाना पड़ता है। ऐसे सोचे थे बाइक से ही जाएंगे, पर बाइक से क्या होता है ना, एक दिन लटक जाता है साथ में, तो फिर शॉपिंग करने में उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लेडीज़ का तो शॉपिंग अलग ही होता है। और अब हमने यहाँ पे ऑटो रिक्शा ले लिया है। ऐसे भी हम लोग बहुत दिनों के बाद निकले हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा नहीं निकलते हैं, बट कोई कितना दिन तक मैनेज कर सकता है। ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, तो इसकी वजह से निकलना ही पड़ता है। और ऐसे भी अब पता भी नहीं चलता है कि कोरोना है या चला गया, क्योंकि जैसे पहले लोग घूमते थे बस वैसे ही सबका घूमना फिरना होने लगा है। कोई मास्क भी बहुत रेयर में ही कोई लोगों को देखते हैं क्या कि वो मास्क लगाया हुआ, नहीं तो सब ऐसे ही घूमते हैं। तो दिल्ली में थे तो हम लोग भी वीकली निकल जाते थे, पर यहाँ पे उतना नहीं निकल। और अब हम ऑटो रिक्शा से उतर के आ गए हैं शॉप पे, और अब हमारी स्टार्ट होती है शॉपिंग करने की प्रक्रिया। और अभी हम लोगों के उनको बहुत घूमना है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है और सभी के लिए खरीदनी है। और हम लोग को तो ऐसे भी कहीं भी जाओ तो पसंद होना बहुत मुश्किल होता है, जब तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें ना देख ले तब तक पसंद ही नहीं आती। तो चलिए देखते हैं फिर क्या क्या लेते हैं। अब सबसे फर्स्ट हम लोग इस कपड़े की शॉप पे आए हैं, और फिर घूम घूम कर देख लेते हैं। यहाँ से हमें कुछ कपड़े लेने हैं, तो घूम घूम के देख लेते हैं पहले, अगर कुछ समझ में आएगा तो लेंगे, वरना फिर दूसरे शॉप पे जाएंगे, क्योंकि ये तो लड़कियों का नेचर में ही, जब तक 10 दुकान ना घूम ले तब तक उसे कुछ पसंद ही नहीं आता है। तो हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए पहले घूमते हैं फिर देखते हैं क्या क्या पसंद आता है, आप लोग भी देख लो। हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, तो अब हम दूसरे शॉप पे आ गए हैं। अब यहाँ पे भी देखते हैं कुछ पसंद आता है या नहीं। शॉप पे आ गए, हमें कुछ वूलन कैप खरीदने थे। पहले भी ऐसे घूम घूम के कई शॉप पे गए बट पसंद नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे जो शॉपकीपर भैया ने बहुत अच्छे अच्छे कैप दिखाए,
और प्राइस भी ठीक ठाक था, ज़्यादा नहीं था, और दूसरे जगहों पे बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहा था और पसंद भी नहीं आ रहा था, तो इसके वजह से हम लोगों ने नहीं ख़रीदा। बट यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस थे तो हम लोगों ने इसे ख़रीद ली। और अब हम वॉच के शॉप पे आ गए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रिस्ट वॉच लेनी है। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे 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 वॉच हैं, मतलब देख के लगे कि हाँ बस सबको ले लें, बट लेना तो एक ही है। तो फिर हम लोग वही देख रहे हैं। और ये भैया के पास बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है वॉच की, आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे वो जो वॉल वाली वॉच है वो भी बहुत अच्छी अच्छी है, और रिस्ट वाले भी बहुत अच्छी अच्छी। तो फाइनली हम लोगों ने इसे सेलेक्ट किया। और अब हम मोबाइल के शॉप पे आ गए हैं क्योंकि हमने अपने मोबाइल को गिरा के तोड़ दिए थे, उसे तो उसी को रिपेयर करवानी है, और मोबाइल के कवर भी लेनी है हमें, तो उसके लिए यहाँ पे हम आए हैं। और देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत खूबसूरत कवर लगे हुए हैं। और हम लोग खूब घूमे क्योंकि हम लोगों को घर के हर फैमिली मेंबर के लिए कुछ ना कुछ लेना है, और ऐसे भी अच्छा नहीं लगता और मार्केट जाओ और सिर्फ अपने लिए या खुद के लिए लेके आ जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर देखते हैं और क्या लेते हैं। और अब हम कॉस्मेटिक वाली स्टोर पे आ गए हैं क्योंकि यहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें लेनी है। तो यहाँ भी देख लीजिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई है, और बैंगल्स भी बहुत प्यारे प्यारे बैंगल्स हैं, हमें बैंगल्स भी लेनी है। तो देखते हैं क्या क्या पसंद आता है, फिर वो सब खरीदेंगे। और यहाँ पे हम लिपस्टिक का कलर चेक कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा है, तो हमें ये भी लेनी है, तो फिर चेक करके देख लेते हैं फिर ये भी लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे पानी पूरी, तो किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग चाट खाने के लिए आए हैं, तो बहुत ढूंढते हुए ये चाट वाले भैया मिले। और ये देखिए साम्या के हाथ में चाट आ चुकी है, वो ऐसे लेने नहीं दे रही थी, मना करते कि नहीं नहीं मतलब, बट मैं ज़बरदस्ती से ले ली हूँ। और अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि अब मेरे हाथों में कब चाट आएगी। ऐसे भी मार्केट आओ और चाट या पानी पूरी ना खाओ, ये तो हो नहीं सकता। और फिर ऐसे शॉपिंग लगता है कि नहीं अभी आधा अधूरा है, तो अब मेरे हाथों में भी आने वाला है। तो यहाँ पे ये देखो मेरे पास भी चाट की प्लेट आ चुकी है, और किसको किसको चाट और पानी पूरी पसंद है और कौन बिना खाए वापस नहीं आता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो ले लिया है, तो हम लोग का खाना पीना कंप्लीट हो गया और शॉपिंग भी हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। और हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप दोनों रिलेशन में कौन है, तो मैं वैसे सभी का जवाब दे दी हूँ, बट मैं एक वीडियो ऐसे बना दूँगी तो उसमें बता देंगे कि हम दोनों रिलेशन में कौन है, तो ऐसे अपना एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना देंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों कौन हैं। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू, और जो नहीं किए वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और फिर हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तो फिर घर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है। और हाँ लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप लोग के लाइक से हमें पता चलता है कि आप लोगों की हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो फिर घर में मिलते हैं। अब हम यहाँ पर घर पर आ गए हैं और फिर हम दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है। तो ये देखिए ये मेरा बाबू का है,
और ये मेरा है एक, ये दोनों गर्म में है। और ये फिर एक कुर्ती है फ्रॉक वाली, तो ये मैंने किसी का नाम से नहीं खरीदा है, क्या वो जो जो जिसको पसंद आएगा वो ले लेगा। और ये एक टॉप है, तो जो भी पसंद आ गया हम लोगों ने उसे खरीद ली, और फिर घर पे जो जो जिसको जिसको पसंद होगा वो ले लेंगे। और फिर ये ग्रीन कलर की कुर्ती है, और ये एक वाइट दुपट्टा है, और इसमें ये बहुत सुंदर सुंदर इसमें वर्क किया हुआ है धागा का। वाइट दुपट्टा होने से क्या होता है, क्या वो किसी सूट में भी चल जाता है या कुर्ती में। फिर ये एक उलेन कैप था, और ये भी सेम दुपट्टा है, बस कलर अलग है, क्योंकि बस कुर्ती खरीद लेते हैं और जिसमें जो सेट होता है वो सेट कर देते हैं। और ये एक रेड कलर की कुर्ती है, और ये फिर हम लोगों ने एक स्टॉल ख़रीदा है। मार्केट जाने से इतनी चीज़ें अच्छी पसंद आ जाती है, समझ में नहीं आता क्या लें क्या छोड़ें, तो जो जो समझ में आता है वो ले लेते हैं। और ये एक ब्लैक कलर का कुर्ती है, और फिर ये एक और कुर्ती पसंद आया तो वो ख़रीदे। ये लेगी है एक, और एक ये येलो कलर की कुर्ती है। ऐसे भी वेडिंग का सीजन चल रहा है, तो हल्दी का रस्म में पहनने के लिए ये सब कलर चलता है। और अब इसे खोल कर दिखाते हैं, तो ये देखिए, ये एक बहुत ही प्यारा कलर में टी शर्ट है, और इसमें जिप भी लगा हुआ है, ये अंदर से भी है येलो कलर में, तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और फिर ये एक रेड कलर का है, तो ये हम लोगों ने घर के लोगों के लिए ख़रीदा है। और ये मेरा बाबू का एक कैप है। ऐसे भी सबसे अच्छा खरीदने में तो बच्चों की चीज़ें ही लगती है, क्योंकि बच्चों कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस आते हैं। और ये एक दो ट्राउज़र है, तो ये सभी मेरे बाबू के लिए है। तो कपड़े में बस इतना ही हम लोगों ने ख़रीदा है, और अब आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक रिस्ट वॉच है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है भी। और ये एक परफ्यूम है, और इसकी फ्रेग्रेंस मतलब अमेजिंग है, और जो यूज़ करते होंगे वो मेलेडी का, उन्हें तो पता ही होगा कि इसकी महक कितनी अच्छी है। एक मीठा सा महक है, और ये एक ग्लिसरीन है, और ये एक सीसी क्रीम है। और मैंने यहाँ पे सेट ख़रीदा है दो बैंगल्स का, दो कलर में है, और इसके कलर भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, तो मैंने सेट करके भी दिखा दिया, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये एक और बैंगल है, वो ये लटकन वाली, ये भी बहुत चली हुई है, और ऐसे पहले भी बहुत चली हुई थी, बट अभी इसी का दौर चल रहा है, फिर से वापस आ गया इसका ज़माना। और दो मैंने दो कलर में लिपस्टिक ख़रीदा है, तो उसके कलर भी बहुत अच्छी है। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा अच्छी है या नहीं। और ये एक हेयर ट्रिमर हम लोगों ने ख़रीदा है, तो ये बॉयज़ के लिए, ये हम लोग का कोई काम का नहीं है, तो इसे भी हम ओपन करके दिखा देते हैं। वैसे सच में मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट इसे ओपन करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रिमर है हेयर को ट्रिम करने वाला, और इसमें क्या है और भी दिखा देते हैं। तो ये एक ब्रश है हेयर को साफ़ करने के लिए, एक चार्जर है, और ये एक ऑयल है शायद इसे क्लीन करने के लिए। और इसमें अलग अलग साइज़ के ये हैं, जो अपने हिसाब से आप बाल को ट्रिम कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय।